Hey guys, I hope you all are doing well and I hope you are happy and मस्ती वस्ती सब चल रही होगी. सो अब लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक. लेकिन उसके पहले कुछ याद है हमने जो लास्ट लेक्चर में वी हैव रेड आउट, वी हैव लर्न समथिंग, कुछ आइडियाज से कुछ डेफिनेशंस मैंने लर्न करवाई थी, तो थोड़ा रिवाइज करवा दूँ वो डेफिनेशंस. तो कौन था, जितना याद आएगा उतना उतना बोलना. कौन था? सबसे पहले थे हमारे हुडसन. तो हुडसन ने बोला था कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन होता है वो है हुडसन, ठीक है. देन कुंट्स और डोनेल ने बोला था कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट कॉन्फिडेंस. जॉर्ज टेरी ने बोला था एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स ideas, opinions or emotions by two or more persons. ये जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन थी. एंड एलन लुईस का एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? आई होप, आई जस्ट नॉट होप, मुझे मालूम ही है कि याद तो हो गई. तो एलन लुईस ने बोला था सम ऑफ ऑल थिंग्स होता है जिसमें देन ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर. एक ब्रिज ऑफ मीनिंग होता है जिसमें सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होती है. तो ये एलन लुईस ने बोला था. बाकी हमने तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, बिजनेस में कम्युनिकेशन किस चीज़ के तरह काम आता है, क्यों काम आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है क्या अगर कम्युनिकेशन नहीं आता है किसी को, तो उसके वजह से लॉस ऑफ बिजनेस में लॉस होता है. प्रेस्टिजियस कंपनी में अगर रिक्रूट होना है, ड्रीम होती है सबकी प्रेस्टिजियस कंपनी में रिक्रूट होने की, तो इसके लिए भी इंटरव्यू में भी हमारा कॉन्फिडेंस हमारे कम्युनिकेशन से ही आगे वाले को पता चलता है. तो हमने इतना सब देख लिया था. अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में. तो अब फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में इट इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस. तो कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है ये आपको इसमें पूछा जा सकता है. क्या बोलते हैं उसे, एमसीक्यू, सॉरी याद नहीं आ रहा था. तो आप लोगों को ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन ये कैसी प्रोसेस है. तो आप लोग क्या बोलोगे कि कम्युनिकेशन जो है ये टू वे प्रोसेस है. ओके, नेम उसके बाद द सक्सेस और द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड बाय फीडबैक वी गेट. अब जैसे अब हमने किसी के साथ कम्युनिकेट किया तो क्या होगा कि हम आगे वाले पर्सन से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस चीज से बात कर रहे हैं, आगे वाला पर्सन हमें कैसे रिप्लाई करता है, उस चीज पे क्या डिपेंड होता है, हमारा कम्युनिकेशन डिपेंड होता है. क्या डिपेंड होता है? हमारा कम्युनिकेशन डिपेंड होता है. अब इज डिसाइडेड बाय फीडबैक, मतलब जैसे व्हाट्सएप पे भी हम किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन उस चीज पे डिपेंड करेगा. नाउ आगे क्या है कि कम्युनिकेशन ये कैसी प्रोसेस है, ये है ऑनगोइंग प्रोसेस. कम्युनिकेशन ये कैसी प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है. इसमें टू वे प्रोसेस होती है, एक क्या है ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब कम्युनिकेशन चलते ही रहता है. कम्युनिकेशन कभी स्टॉप होगा क्या? नहीं. भगवान भी कम्युनिकेट करते हैं, असुर भी कम्युनिकेट करते हैं, जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. नाउ इट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू. ऑब्वियसली सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे क्या हम? नहीं. हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे आइडियाज और इमोशंस के बारे में. हम हमारे जितने भी आइडियाज है हम उसे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. हमारे इमोशंस है हम एक्सचेंज करेंगे. जैसे कि हमें किसी चीज का बुरा लग गया तो हम हमारे मम्मी पापा को क्या बोलेंगे कि मम्मा आपने आज जो मुझे बोला कि तू ना ऐसे परेशान मत किया कर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे ऐसे परेशान करती है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं यार, मम्मा आप तो मेरी मम्मा हो तो मैं तो आपको परेशान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना. तो ऐसा सब होता है. हमारे आइडियाज हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे शेयर करेंगे, हमारे इमोशंस शेयर करेंगे. जैसे कि मैं और मेरी मम्मा, क्या होता है कि रात को जब पूरा दिन गुजर जाता है देन रात को वी टॉक टू ईच अदर, वी शेयर समथिंग, वी लाफ समटाइम्स, नहीं क्राई तो नहीं करते, वी जस्ट लाफ, वी शेयर. तो कैसे होता है कि ये सारे कम्युनिकेशन से ही तो पता चलते हैं. अगर हमारा एम्प्लॉयर भी अच्छा हो तो हम हमारे एम्प्लॉयर से भी इतने ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. नाउ जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो यू आर लाइक फ्रेंडली टू मी,
है ना, कैसे हो तुम लोग मेरे साथ, फ्रेंडली हो, लाइक आपकी थिंकिंग ये है कि वाह मतलब दीदी इतनी अच्छी है कि हाँ हम दीदी के साथ फ्रीली बात कर सकते हैं, हमें दीदी का कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो दीदी को जाके फ्रीली बोल सकते हैं कि दीदी हमें ये समझ में नहीं आया है, आप फिर से एक बार हमें क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। इट इज मोर देन वर्ड्स, कम्युनिकेशन इज मोर देन वर्ड्स। जैसे कि सिर्फ कैसे होता है, जो लोग बात नहीं कर सकते, जो लोग बात नहीं कर सकते हैं वो लोग उनके एक्सप्रेशन से ऑब्वियसली कन्वे करते हैं उनका मैसेज, तो वही कम्युनिकेशन इज मोर देन वर्ड्स। सिर्फ उसमें बात करने की जरूरत नहीं होती है कम्युनिकेशंस में। जैसे कि कोई कपल है, ओके कोई कपल है तो वो इशारों, वो बोलते हैं ना हाँ मैं तो आपके आंखों से ही समझ गई कि आपको क्या बोलना था, तो वही कम्युनिकेशन कैसा है, मोर देन वर्ड्स है। टोन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफन कैरी अ ग्रेटर मीनिंग देन वर्ड्स। जैसे मैंने अभी बताई कि हमारी जो, अगर हमें कुछ बात करनी है, जैसे हम किसी से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड ही, अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड ही लाइक हमने फोन पे बात की, हर बार वो ना बहुत एनर्जेटिक होता है, लेकिन आज ही साउंडिंग लो, तो हम उसके एक्सप्रेशन से, उसकी टोन से, उसकी आवाज से ही समझ जाते हैं कि हाँ इस पर्सन को कुछ तो भी हुआ है। फिर वी आस्क हिम कि क्या हुआ है आपको, देन ऑफन कैरी अ ग्रेटर मीनिंग देन वर्ड्स। तो ऑब्वियसली फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे इमोशंस, ये सब बात करने से, वर्ड्स करने से भी ज्यादा ग्रेटर मीनिंग कैरी करते हैं खुद के साथ। वी कैन कम्युनिकेट अ लॉट थ्रू साइंस, सिंबल्स एंड जेस्टर्स। ठीक है, तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही पूरा समझा दी थी कि जैसे साइंस भी दे दी, सिंबल्स भी दे दिए, लाइक साइंस सिंबल्स जेस्टर्स में एक ही टाइप का आ गया। जैसे साइंस एंड सिंबल्स में कैसा कि सिग्नल पे लाइक स्टॉप का होता है तो वो स्टॉप का एक अपना साइन दे देते हैं, गो अहेड का अपना एक साइन दे देते हैं, है ना, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे जाना है। सिग्नल का भी अपना एक रेड येलो ग्रीन का अपना अपना एक खुद का एक मीनिंग कैरी करते हैं वो लोग, कि रेड मतलब स्टॉप, ग्रीन मतलब गो, तो ऐसा खुद का एक मीनिंग कैरी करते हैं, तो सिंबल से समझ आता है। जेस्टर्स में हम क्या करते हैं, एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स को बेस्ट ऑफ लक दूर से ही दे दिया, ठीक है, फिर जैसे कि चीटिंग करनी हो एग्जाम में तो कैसे थोड़ा फिंगर साइड करके कि दोस्त को दिखे कि भाई कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिंगर से बोल दिया 1 या 2 या 3, तो ये सब क्या है, ये जेस्टर्स है, तो इससे समझ में आ जाता है। देन इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। एक तो कौन सी प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस, कौन सी है, ऑनगोइंग, एंड नाउ इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस टू। तो गोल डायनेमिक प्रोसेस मतलब कि ऐसी प्रोसेस जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ऐसी प्रोसेस जो कभी भी मतलब अचानक उसका रिप्लाई तैयार होना चाहिए सामने वाले के पास, अचानक सब होना चाहिए। देन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब कि कम्युनिकेशन, हम फालतू में ही किसी के साथ बात करते हैं क्या, नहीं है ना, किसी के साथ बातें नहीं करते, कोई ना कोई हर बार हमारे पास एक टॉपिक होता है सामने वाले से बात करने के लिए, तो कम्युनिकेशन ये कैसी प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो हमने कौन सी प्रोसेस देखी, एक तो हमने देखी ऑनगोइंग प्रोसेस, एक हमने देखी डायनामिक प्रोसेस, एक देखी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाउ इट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। कैसा साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये जो फीचर्स आपको बता रहे हैं ना गाइस, ये आप प्लीज 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 याद रखना, क्योंकि कैसा होता है ना कि CSET में ना MCQs में कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा, आपको ऐसी फील आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को उसके बारे में पता होता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका आंसर क्या रह सकता है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देते हैं ना हमारे ICSI वाले कि हमें लगता है कि ये भी ऑप्शन है तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। अब वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी बैठे तो नहीं है कि ऑडियंस बोल करके आंसर दे दो या फिर 50-50 चॉइस कर लो, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ना बस एक अच्छे से थिंक करके ना उसका रिप्लाई देना। नाउ इट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस दैट इज डिराइव फ्रॉम सेवरल साइंसेस। तो अब ये कैसा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, मतलब इंटर मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, डिसिप्लिनरी साइंस मतलब कि अलग अलग साइंस से वो आया है। तो फर्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, फर्स्ट क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। देन एंथ्रोपोलॉजी मतलब होती है स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ
body language. Now, ये आपको MCQs में जरूर 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 पूछेंगे, ठीक है? तो याद रखना कि anthropology मतलब होता है study of body language, जिसमें हम हमारी body language के साथ सीखेंगे. जैसे हम suppose ना ऐसे ढीले ढाले body से बैठे, like जैसे हम घर पे पड़े रहते हैं ना इधर उधर, तो है ना, तो वो हमारी body language घर वालों को बताता है कि हाँ ये person तो ऐसा ही है ना, तो ये बता सकते हैं. Now मैं next के बारे में बोलती हूँ. Now जैसे कि मैंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. तो जैसे हम इधर उधर पड़े रहते हैं, वो हो गया हमारा स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. हमारे बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आगे वाले पर्सन को पता चलेगा कि ये पर्सन कैसा है. लाइक हम कॉन्फिडेंटली एकदम स्ट्रेट खड़े होके, हमारा अगर हम इंटरव्यू देने भी गए, एकदम ऐसे ढीले बॉडी से बैठ सकते हैं क्या? लाइक लूज रिलैक्स, जैसे हम घर पे रिलैक्स बैठे रहते हैं वैसे बैठ सकते हैं क्या? नहीं. हम किसी के सामने कुछ हमारा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे ऑब्वियसली डिपेंड रहेगा कि ये पर्सन, हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि ये पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है खुद के बारे में, ठीक है? तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज मतलब एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, बताती है. देन उसके बाद आता है साइकोलॉजी. नाउ साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पर्सुएशन. क्या होता है, स्टडी ऑफ पर्सुएशन. नाउ पर्सुएशन मतलब क्या, कि आगे वाले पर्सन को, अनदर पर्सन को, हम जिससे भी बात कर रहे हैं उसे कुछ समझाना, किसी चीज के बारे में समझाना. लाइक आई एम टेलिंग यू दैट CSET में ऐसे ऐसे एग्जाम देना. जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो ICSI हमारे माइंड में ना एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है. CSET में मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, तुम्हें आंसर करेक्टली पता रहेगा, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा. तो फिर वही मैं तुम लोग को क्या कर रही हूँ, मैं तुम लोग को पर्सुएट कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि गाइज डरो मत, कि पेपर बहुत इजी जाएगा और तुम लोग बहुत अच्छे से क्या करोगे, टॉप करोगे. देन उसके बाद परसेप्शन. ना परसेप्शन मतलब क्या होता है, परसेप्शन मतलब ऐसा होता है कि किसी चीज के ऊपर बिलीव करना, किसी चीज के ऊपर क्या करना, बिलीव करना कि हाँ ये चीज ऐसी हो सकती है, या फिर एक सेंस होता है. मतलब हमारे बॉडी, हम कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, हम एक जगह खड़े हैं जस्ट अपने पीछे, या थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा कुछ मीटर दूर हमारे ही बारे में वो जो भी पर्सन है वो थोड़ी सी टेढ़ी आंखें करके ऐसे देख के हमारे ही बारे में कुछ बोल रहा है, तो हम उसे देख के ही समझ जाते कि हाँ ये जो पर्सन है ना ये हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा है, पक्का मेरे बारे में ही ये पर्सन क्या कर रहा है, बोल रहा है. एंड एटीट्यूड्स, मतलब कोई कोई ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा खुद का एटीट्यूड दिखाता है. जैसे कि हमारे स्कूल डेज में जो टॉपर होता है वो ना खुद को कैसे ऐसे गाइस अदरवाइज लेना, यहाँ पे सभी टॉपर है, ठीक है, ये तो बोलोगे कोई होगा तो बोलेगा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, अदरवाइज है, बस मैं बता रही हूँ कि मैंने जो मेरे स्कूल में देखा. तो एटीट्यूड, एक एटीट्यूड होता है स्कूल में, कैसे क्या बोलते हैं उसे, फेवरेट रहते हैं टीचर्स के, टीचर्स भी ऐसी रहती है ना, हाँ भाई टॉपर्स ही हमारे फेवरेट रहेंगे, तो ऐसा होता है. तो एटीट्यूड ऐसा एक चीज दिखाता है, हाँ भाई मैं हूँ. तो 8th, 9th, 10th में उस लड़की ने बहुत एटीट्यूड दिखाया था कि यस मैं टॉपर हूँ, मैं ये करूँगी वो करूँगी. एंड 10th में देन उसका एटीट्यूड दिख ही गया था. तो कैसे ना वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए क्या, नहीं. देन ये होता है साइकोलॉजी. देन है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. क्या है, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. तो स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, ये होता है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट हमें स्कूल डेज में हुआ करता था. लाइक जो स्टेट बोर्ड वाले हो गए उनको शायद पॉलिटिकल साइंस नाम है, और मैं CBSE में थी तो मुझे सिविक्स नाम से वो सब्जेक्ट था. तो उसमें कैसे सारा डेमोक्रेसी के बारे में बताता है, वोटिंग पावर्स के बारे में बताता है, पार्लियामेंट के बारे में बताता है. तो ये सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस किसके बारे में बताता है, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, कि कैसा पर्सन किस चीज़ को वोट कर सकता है, किस चीज़ को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है. तो हमने इस वाले
स्लाइड में क्या देखा? हमने देखा फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये कैसी प्रोसेस है? ये टू वे प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. देन हमने ये भी देखा कि कम्युनिकेशन ये हमारी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. उसके बाद डायनेमिक प्रोसेस भी मैंने समझा दी. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. मेन मतलब हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा, कौन सा? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में, कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. ठीक है गाइस, रिपीट आफ्टर मी. एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पर्सुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स. साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पर्सुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स. एंड सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस मतलब स्टडी ऑफ वोटिंग पावर. अगेन, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस मतलब स्टडी ऑफ वोटिंग पावर. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, ऐसे तो कम्युनिकेट करते ही है, लेकिन बिजनेस एनवायरमेंट में, कंपनीज में, हर अलग अलग जगह कम्युनिकेशन हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है? नाउ सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन साइज. क्या है? इंक्रीज इन साइज. तो जो हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, ऑब्वियसली हम कहीं भी, अगर सपोज फैमिली रिलेटिव्स के पास जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें पूछा जाता है कि भैया आप कौन से कंपनी में जॉब करते हो. आगे जाके पूछेंगे ना, क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो या जॉब करते हो? ठीक है, अगर जॉब करते हो तो कौन से कंपनी में करते हो? ठीक है, तो पूछेगा आप लोगों से. तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेट करके आगे वाले पर्सन से पता चलता है कि हाँ ये कंपनी में काम करता है. तो लोगों को धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ नंदिनी जो है वो ये कंपनी में काम करती है. फिर धीरे 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 क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है. लोगों को पता चलते रहता है धीरे धीरे. ऐसे लोगों से बात करते हैं ना कि हाँ उसकी बेटी जो है ना वो ये कंपनी में काम करती है, उसका बेटा जो है वो कंपनी में काम करता है. देन होता है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन. ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम किस में स्पेशलाइज है. ठीक है, हमारी कंपनी क्या करती है. लाइक जैसे कि हमारा आईफोन, एप्पल, हमारी एप्पल कंपनी. तो हमारी एप्पल कंपनी किस लिए फेमस है? वो खुद के लोगों के लिए फेमस है. स्पेशल वो खुद के स्पेशलाइज किस में है? ठीक है, फोन तो सभी बनाते हैं, सभी का लोगो अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगो किसका फेमस है? वो जो आधा एप्पल खाया हुआ है, वो जो आईफोन है, वो सबसे ज्यादा क्या है, फेमस है. तो वो खुद के कंपनी के बारे में कुछ स्पेशलाइज्ड होना, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, फेमस है. देन कटथ्रोट कॉम्पिटिशन. अब हर कंपनी का एक दूसरे के साथ क्या चलते रहता है, कटथ्रोट कॉम्पिटिशन चलते रहता है. जैसे अभी अभी किसका कटथ्रोट कॉम्पिटिशन चालू है? एयरटेल और जियो का. ठीक है, एयरटेल और जियो का कटथ्रोट कॉम्पिटिशन तो चलते ही रहता है ना हर बार. मतलब जब से जियो निकला है तब से एयरटेल का भी चल रहा है, और वो दोनों भी एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, है कि नहीं? बाकी जितनी भी सिम्स है वो लाइक पीछे ही है. तो मेन सबसे टॉप पे जो सिम्स चल रही है कौन सी है, एयरटेल है और जियो है. तो इनका क्या चल रहा है, कटथ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है. देन ट्रेड यूनियन मूवमेंट होता है. ट्रेड यूनियन मूवमेंट मतलब कि सब लोग अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपने ट्रेडिंग के बारे में, कुछ ना कुछ लोगों को बताते हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट आती है ना, कि एडवर्टीजमेंट में बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा आपको देगा. ठीक है, जैसे एलोवेरा का पतंजलि जेल, इसे लगाए और गोरा त्वचा निखार पाए. तो ऐसे सब लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हाँ हंस लो तुम हंस लो, तो फिर ऐसे ऐसे सब लोग बताते हैं, है ना, अपना अपना प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइज करते हैं. देन ह्यूमन रिलेशंस. ऑब्वियसली अगर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स तो बना ही रही है, ठीक है, लेकिन उसके ऑडियंस, उसके कस्टमर्स, उसके क्लाइंट्स के साथ जो अपना रिलेशन है वो बहुत बुरी तरीके से रख रही है. ठीक है, अच्छे से बात नहीं कर रहे, अच्छे से कुछ नहीं कर रहे. लाइक दे आर ट्रीटिंग देयर क्लाइंट्स जस्ट रूडली ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, ठीके? बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, है ना. बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लगाओ, इससे आप गोरा गोरा निखार पाओगे, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं. ठीक है, होता है? नहीं होता.
तो ऐसे बहुत सारी कंपनियाज है, तो इसलिए हमें ह्यूमन रिलेशंस अच्छे से रखना होगा। देन पर्सनल एसेट, कंपनी मतलब कम्युनिकेशन, ये खुद की हमारी एक क्या है, पर्सनल एसेट है। ठीक है, मतलब अगर हमारा, सब लोग अपने अपने हिसाब से कम्युनिकेशन क्या करते, अच्छा रखते हैं, है ना। कोई कोई ऐसा हर एक फैमिली में होता होगा, तुम्हारे भी फैमिली में होगा कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो बहुत शाय होता है, ज्यादा बात नहीं करता है, अगर बात भी करे तो ऐसा लगता है कि रूडली बात कर रहा है, लेकिन ये इंसान की इच्छा ही नहीं हो हमसे बात करने की, या फिर इसको अगर बात भी करे तो ऐसा लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे साथ बात करने का, किसी के साथ बात करने का। तो कम्युनिकेशन कैसे, ये लोगों का एक पर्सनल एसेट होना चाहिए सबका, सबका अप अपना जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कैसा है कम्युनिकेशन, इंक्रीज इन साइज, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट होता है, ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, एंड कम्युनिकेशन हमारा क्या है, पर्सनल एसेट है। ओके समझा, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसी होती है, अभी तक तो बोलोगे दीदी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो बहुत कर लिया, लेकिन उसकी प्रोसेस कैसी होती है, हम डायरेक्ट कुछ भी आगे वाले पर्सन को बोल सकते हैं क्या, नहीं, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप एन आइडिया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक आइडिया हमारे दिमाग में डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी अगर हमारी कुछ कंपनी में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले जिसने भी उसे लॉन्च किया होगा, उस पर्सन ने क्या किया होगा, उसके बारे में सबसे पहले सोचा होगा, हाँ भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट के बारे में ये होगा। फिर वो उसे एनकोड करेगा, एनकोड मतलब उसे अच्छे से ड्राफ्ट करेगा, एक फाइनल ड्राफ्टिंग बनाएगा वो उसके बारे में, ठीक है। वो फाइनल ड्राफ्टिंग बनाने के बाद वो उसे एनकोड करेगा, जैसे हम ईमेल, हमें कुछ ईमेल करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अपने दिमाग में एक आइडिया लाते हैं, अच्छे से इंग्लिश कन्वर्सेशन लाते हैं, देन हम उसे टाइप करते हैं, एंड देन हम उसे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं आगे वाले पर्सन को, क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ओके हम क्या करते हैं, आगे वाले पर्सन को सेंड करते हैं, देन वो पर्सन क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा, क्या करेगा, रिसीव, वो सेंड हो गया, देन जब भी वो जो अनदर पर्सन है वो उसे जब, व्हेन एवर ही विल चेक, ओके व्हेन एवर ही विल चेक, ही विल रिसीव दी, देन ही विल थिंक दैट व्हाट शुड आई रिप्लाई टू दिस पर्सन, ठीक है, कि ये इन लोगों ने हमें ये ऑफर भेजा है सपोज, तो फिर वो जो पर्सन है वो क्या सोचेगा कि हाँ अभी मैं भी इन्हें कुछ रिप्लाई देता हूँ, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी उन्हें देना, लेकिन रिप्लाई देना जरूरी है। कम्युनिकेशन में कैसा है कि हम एक अकेला पर्सन आगे वाले को मैसेज दे के कम्युनिकेशन हो नहीं जाता, हमने खुद ने मैसेज आगे वाले पर्सन को दिया, और जब आगे वाला पर्सन हमें रिप्लाई करेगा तब जाके पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। नाउ देन उसके बाद आता है हमारा डीकोड। तो अब उस पर्सन ने रिसीव कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, डीकोड करेगा। नाउ ही इज डिकोडिंग द मैसेज, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डिकोडिंग द मैसेज। उन्होंने फिर से अपना एक मेल लिखा, ठीक है, उन्होंने डिकोड किया, ठीक है। अब उसके हिसाब से उसने, अगर उसको अच्छा लगे तो वो उसके ऊपर क्या देगा, फीडबैक देगा, क्या देगा, फीडबैक देगा, अगर उसे अच्छा लगा तो वो एक फीडबैक देगा। तो ये सब होने के बाद दोनों एक दूसरे का साथ कॉलिंग पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद ये हमारी क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाएगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा सबसे पहले हम हमारा क्या कर रहे हैं, हमारा आइडिया डेवलप कर रहे हैं, क्या डेवलप कर रहे हैं, हमारा आइडिया डेवलप कर रहे हैं, देन उसके बाद हम हमारा जो मैसेज है वो उसे एनकोड कर रहे हैं, देन हम आगे वाले पर्सन को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, आगे वाले पर्सन ने उसे रिसीव किया, फिर उस पर्सन ने थिंक करके उसे डिकोड किया, देन हमें उस चीज का क्या दिया, फीडबैक दिया, देन उसके बाद फिर दोनों ने एक चीज पे कंफर्मेशन करके वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस बन गई। तो आप लोगों को ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, ओके व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको ये याद होना चाहिए।
ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो याद होनी चाहिए, ठीक है, मैं धीरे धीरे फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगी ही लास्ट लास्ट में, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में भी फिर से एक बार हम सब रिवाइज करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. यहाँ पे देखो मैंने दी हूँ पिक्चर आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए. तो सबसे पहले मैंने एक आइडिया दे दिया, अभी हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, वेट अ मोमेंट. ओके, तो ये कौन है? सेंडर है. जैसे कि ये मैं हूं, ये कौन है? ये मैं हूं, नंदिनी. ठीक है, ये है रेसिपिएंट. रेसिपिएंट का नाम हम ले लेते हैं, क्या ले, जैसे कि रेसिपिएंट हो गया मिस्टर एक्स. ठीक है, मिस्टर एक्स रेसिपिएंट है हमारा, मिस्टर एक्स. तो अब मैं सोर्स हूं, मतलब मैं इसको पेन भेजने वाली हूं. मैं क्या हूँ? सोर्स हूँ. अब मैं सोर्स हूँ तो मैं अभी सबसे पहले मेरा जो मैसेज है, यहाँ पे मैसेज लिखा है, तो मेरा जो मैसेज है वो मैंने मेरे दिमाग में लाया, यहाँ छोटा सा भेजा है मेरा पोत, तो मैंने यहाँ पे लाया. तो मैंने फिर उस मैसेज को क्या किया? एनकोड किया. क्या किया? एनकोड किया. ब्लू ब्लू हो गया किस, एक मिनट, ऑरेंज ऑरेंज करते हैं. तो मैंने मेरे मैसेज को क्या किया? एनकोड किया. मिक्स ही हो गया, छोड़, समझ गया ना तुम. ठीक है, फिर उसके बाद एक सिग्नल, मतलब वो जो नेटवर्क होता है वो, देन उस चैनल के पास गया. ये यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए दी हो. तो चैनल मतलब कि जिस ऐप से हम भेज रहे हैं, कौन से ऐप से भेज रहे हैं हम? सब कुछ ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल कर रहे हैं हम. तो उस चैनल से हमने भेजा, ठीक है, फिर ये उसके पास जाके क्या हुआ? इसने रिसीव किया, देन ये डिकोड हुआ. ये फिर ये इसने क्या किया? इसने डिकोड करके इसे क्या दिया? फीडबैक दिया. और ये जो नॉइस है ये चैनल के थ्रू जाता है, लाइक उन दोनों ने कंफर्मेशन के लिए एक दूसरे के साथ क्या किया? डिस्कशन किया. सो ये था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस. तुम लोग इस फोटो को बस एक आइडिया के लिए मैंने दी हूँ, तुम वैसे यहाँ से आइडिया, ये बहुत अच्छा है हमारा, जैसे कि डेवलप एन आइडिया, एनकोड, ट्रांसफर, रिसीव, डिकोड, फीडबैक, नॉइस. तो यही तुम याद रखना, पेपर में ये फोटो वोटो का कुछ नहीं पूछते, ये बस मैंने तुम लोग का आइडिया के लिए दी थी. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक. अनदर हमारा नाउ अनदर टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट बोल सकती हूँ मैं, तो इसको याद रखना. ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना तुम लोग. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो इसमें 7 C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं. 7 C मतलब सबके नाम स्टार्टिंग से कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सी से स्टार्ट होते हैं. एक मिनट, ये मैगी बन गई, मैगी बन गई थी वहाँ मैगी. सो ये हमारे हैं 7 C. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत अच्छे से इमेज दी हूँ, दिखेगी क्या पता नहीं, आप लोग जब डाउनलोड करोगे PDF देन जूम करके आई थिंक से देख सकते हो, यहाँ पे भी जूम होती है. ये देखो हो गई ना, देखो कितनी क्लियर इमेज दी हूँ मैंने, ताकि तुम लोगों को समझ जाए. तो सबसे पहले मैं यहां से समझा दू एक एक, फिर वहां पे भी जंप करेंगे. तो अब किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए. लाइक मैं हाँ बोल रही हूँ उस पर्सन को, किसी चीज के लिए मैंने हाँ बोल दिया. ठीक है, तो अब मैंने किसी चीज के लिए उस पर्सन को हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे फेस एक्सप्रेशन से, माई फेशियल एक्सप्रेशन आ लाइक मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं हाँ बोल रही हूँ ना बोल रही हूँ, सामने वाले पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी समझना चाहिए कि ये पर्सन क्या बोलना चाह रहा है. ये जो है ना, ये पेन आज एक गड़बड़ है, तो माउस से लिख रही हूँ ना, तो उसकी वजह से क्या होता था, गड़बड़ जाती है. हाँ, अरे आज का पता है दिन ही खराब है मेरा. तो ना, तो क्या होती है? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. मैंने किसी चीज के लिए, किसी ऑफर के लिए हाँ तो बोल दी, लेकिन माय फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे ही कि नहीं, मतलब
आगे वाले पर्सन को ऐसे लग रहा है इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, बस दिमाग से हाँ बोल रही है, दिल से हाँ नहीं बोल रही है ना, ऐसे कुछ लगता है. देन कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? जैसे कि किसी ऑफर के लिए या किसी चीज़ के लिए आगे वाले पर्सन ने मुझे कॉल किया, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको ना कहाँ आना है, जैसे कहीं भी कोई भी मॉल बोल दिया उसने, ठीक है, मुझे मॉल सुनाई आया लेकिन मुझे मॉल का नाम ही नहीं सुनाई आया. तो मैंने खुद से अंदाज़ा लगा ली कि हाँ भाई मुझे इस पर्सन ने इस मॉल में बुलाया है. तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट थी क्या? नहीं. अगर वो पर्सन मुझे क्लियरली बोलता कि मैम आप इटर्निटी मॉल आ जाओ, ठीक है, तो मैं इटर्निटी मॉल ही जाती, मैं किसी और जगह जाती क्या? नहीं जाती. तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए. कंसाइसनेस ऑफ मैसेज होना चाहिए. कंसाइसनेस ऑफ मैसेज मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, लिखे जा रहे, ठीक है, मैसेज लिखे जा रहे. जैसे कि किसी कपल्स होते हैं ना, कुछ बोलना हो, जैसे लड़ गया, ठीक है, बोलोगे दीदी आप भी लड़के हो, आप ऐसे बात करते हो, छोड़ो चलता है सब, तो क्या करते हैं, गुस्सा आया ना तो मैसेज लिखे जाते, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हैं, ठीक है. मीनिंग एक ही होता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन बंदी ने बहुत लंबा मैसेज लिख दिया है, उस लड़की ने बहुत लंबा मैसेज लिख दिया, सामने वाला लड़का बस बोल दिया, HM बोल दिया, खत्म. तो यार ठीक है, कंसाइसनेस ऑफ मैसेज रखो ना, तुम गुस्सा हो पता है, एक ही चीज लिखो ना, मैं तुमसे गुस्सा हूँ. तुमने पूरी उस पे पुराण कथा लिख दी, ऐसे लिख दिया, निबंध लिख दिया, क्या मतलब है क्या उस चीज का? नहीं. देन होता है कॉन्क्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन. कॉन्क्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन मतलब कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम अच्छा होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? कॉन्क्रीट होना चाहिए. सी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कॉन्क्रीट का मीनिंग समझाई, वन मिनट या सी अ कम्युनिकेशन नीड्स टू बी कॉन्क्रीट विच सिंपली मीन्स दैट यू शेयर इंफॉर्मेशन दैट इज जेन्युइन एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ऑब्वियसली अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ मतलब बकवास करके रखी है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो बोला नहीं है लेकिन बाकी कुछ दूसरा बोला है. तो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए क्या? जैसे यहाँ पे ये मेरा प्रेजेंटेशन है, ऑब्वियसली ये मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे मैंने कुछ फालतू बकवास की है क्या? नहीं. जिस चीज़ की इमेज उस चीज़ पे मैंने अप्लाई की हूँ, जो टॉपिक है उसी बारे में मैं बात कर रही हूँ, हाँ मैं थोड़े मजाक कर रही हूँ, लेकिन क्यों? ताकि टॉपिक अच्छे से समझ आए. बाकी मैं कुछ कर रही हूँ क्या? नहीं. तो वो जो चीज़ है, वो जो प्रेजेंटेशन है, हम भी आगे जाके बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट करेंगे कुछ ना कुछ चीज़, एनुअल जनरल मीटिंग्स में हम बहुत कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे. तो वो प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? जेन्युइन होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स होना चाहिए, उसमें फालतू की बकवास नहीं होनी चाहिए. देन कर्टसी टुवर्ड्स द रेसिपिएंट, हमारा जो रेसिपिएंट है उसके पास हम कर्टियस होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? कर्टियस होनी चाहिए. जैसे कि हम लोग, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हाँ वी आर जेन्युइन टू यू, आप और हमें आपका फीडबैक अच्छे से चाहिए. वी आर लाइक कि हम आपके आप हमें जो रिप्लाई दो वो कैसा हो? अच्छा हो. जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, वाइल कन्वेइंग योर मैसेज यू नीड टू बी रिस्पेक्ट योर ऑडियंस एंड अप्रिशिएट देम. ऑब्वियसली मैंने जैसे कि अभी बोला कि जेन्युइन हो मतलब कि अच्छे से बात करो, है ना, रूडली थोड़ी बोलोगे, जैसे कि ए सर तू ये बता, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं. रिस्पेक्टेड सर, वी आर अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मिंग यू दैट, ओहो, है ना, ऐसे एकदम अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इंग्लिश बोलो या फिर हिंदी में भी बोलो, तो सर आप मुझे ये बता सकते हो, प्लीज आप मुझे ये बता सकते हो. तो कर्टसी हो, हम कर्टियस हो, हम सामने वाले पर्सन से अच्छे से क्या करें, बात करें. देन करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स, हमें जो बोलना है फैक्ट, हमारे जो भी फैक्ट्स हैं वो कैसे हो? करेक्ट हो. फालतू की चीज़ें मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में हम क्या गलत सलत ना बोलें, जितना सही है उतना ही बोलो, जो ये कर सकता है प्रोडक्ट उतना ही बोलो, उससे ज़्यादा मत बोलो. देन कंसिडरेशन फॉर रिसीवर, अब रिसीवर जब कंसिडर करेगा, ठीक है, तो रिसीवर उस चीज को क्या करना चाहिए? कंसिडर करना चाहिए, ठीक है. अगर उसने सोचा कि नहीं ये गलत है, देन ही कैन से, ठीक है,
तो ये हो गया, क्या हो गया हमारे 7C. तो 7C में हमने क्या देखा, एक तो देखा क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, फिर होती है कम्प्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन हमारी कम्प्लीट होने चाहिए, एक्सप्रेशन हमारे क्लियर होने चाहिए, देन मैसेज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, छोटू सा प्यारा सा होना चाहिए. प्रेजेंटेशन एकदम जेनाइन होना चाहिए, फालतू की बकवास उसमें नहीं चाहिए. रेसिपिएंट के साथ अच्छे से बिहेव करने चाहिए हम लोग. फैक्ट्स जो हो वो सही होने चाहिए, गलत होने चाहिए क्या नहीं. देन उसके बाद कंसिडरेशन फॉर रिसीवर, रिसीवर ने उस चीज को क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए. तो ये होते हैं हमारे, ये सात हमारे क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. सो दीज आर, ओह शिट, या नाउ सी, अगर ये ज्यादा जूम हो पाए तो अच्छी बात है, मैं पढ़ा दूंगी. या हो गया है. सी कंसाइज मतलब यहाँ पे लिखा है कि कीपिंग द लेंथ ऑफ योर मैसेज एज शॉर्ट एज पॉसिबल इज इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. ठीक है, तो या ये देखो कंसाइज, ऑब्वियसली मैंने बोला जितना छोटा हो उतना अच्छे से लिखो, ठीक है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के मत. मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये तो ऐसे भी समझ रहा है वैसे भी. अगर मैं पढ़ पाऊँ तो हाँ मैं पढ़ सकती हूँ. गाइस अगर थोड़ी बारिश की आवाज आ रही होगी तो इग्नोर करना, ठीक है ना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. नाउ व्हाइल कम्युनिकेटिंग द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू एंश्योर इज टू मेक द पर्पस ऑफ योर मैसेज क्लियर. मैसेज कंसाइज होना चाहिए, कम शब्दों में लिखो लेकिन क्लियर लिखो. कैसे, क्या बोली मैंने, कम शब्दों में लिखो एक मिनट, हाँ कम शब्दों में लिखो लेकिन क्लियर लिखो. देन फिर थर्ड स्टेप क्या है, मैसेज जो भी लिखा है वो सही होना चाहिए. करेक्ट लिखा है, क्लियर लिखा है, लेकिन सही लिखा है क्या, ये भी देखो, मतलब ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह है क्या, ये भी देखो. देन फिर करेक्ट है, कंसाइज है, क्लियर है, तो फिर उसको क्या कर दो, कंप्लीट कर दो. कंप्लीट मतलब सी करेक्ट में यहाँ पे लिखा है व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर नीड्स टू बी बोथ फैक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. ऑब्वियसली फैक्चुअली मतलब फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. देन उसके बाद है देयर इज नो पॉइंट इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स दैट इज इनकम्प्लीट एंड डज नॉट इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो जब शेयर करेंगे तो सब चेक करके क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे. देन उसके बाद आता है कर्टियस. अब जितना भी तुमने मैसेज लिखा है ना अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयर को, तो वो या फिर कोई भी अपने क्लाइंट को, तो वो कैसा लिखो, क्लियर लिखो, कुछ उसमें गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर लिखो. और क्लियर तो लिखा ही है, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयर है उसके साथ अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करो, डिसरिस्पेक्टफुली नहीं. मैसेज भी लिखो तो एकदम रिस्पेक्टफुली लिखो, ठीक है, वो नहीं क्या पहले आप, ठीक है. देन कॉन्क्रीट में क्या है कि कम्युनिकेशन नीड्स टू बी कॉन्क्रीट विच सिंपली मीन्स दैट यू शेयर इंफॉर्मेशन दैट इज जेन्युइन एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो कैसा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होना चाहिए. यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से समझा दी थी. देन कोहेरेंट कोहेरेंस इन कम्युनिकेशन मीन्स दैट यू नीड टू स्ट्रक्चर योर मैसेज लॉजिकली एंड वाइल मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन लैंग्वेज. तो ये हमारे इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ कि अगर ऑब्वियसली पूछ लिया तो पता होना चाहिए. तो कोहेरेंट मतलब क्या होता है कि मैसेज को ऐसा स्ट्रक्चर करो, इतना लॉजिकली स्ट्रक्चर करो, इतने कम शब्दों में स्ट्रक्चर करो, इतना क्लियर स्ट्रक्चर करो, मतलब वो सब मिक्स करके बताया है कि आगे वाले पर्सन को, हमारे एम्प्लॉयर को, हमारे क्लाइंट को वो बहुत अच्छे से क्या हो, बहुत अच्छे से समझा हो. तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इतना समझ गया है आप लोगों को, आई होप समझ गया है. देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जौहरी विंडो. ओके, व्हाट इज आवर, वैसे गाइस जौहरी विंडो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत लेंदी है, समझने भी वैसे इजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो आई थिंक ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है. कैसा है, ये आधा घंटा तो भी लेगा ही मेरे हिसाब से समझाने में, अगर मैं डिटेल में वैसे ही जा ही रही हूँ तो आधा घंटा तो भी ये जौहरी विंडो लेगा. एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर में मैक्सिमम ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है.
तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार ये सब रिवाइज करवा दूँ एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। तो हमने क्या पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में हमने देखा था कि वो एक टू वे प्रोसेस है, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी है, टू वे प्रोसेस है। देन उसके बाद वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये जो नेम्स है ना आप लोग याद रखना, ताकि आगे जाके जब आपको पूछे एमसीक्यूज में तो याद हो। मैंने भी आपके लिए एक एमसीक्यू शीट बनवाई हूँ, जिसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस बनवाई हूँ, बस इसी चैप्टर के 50। जस्ट थिंक कि कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये जैसे कि मैं एक एक चैप्टर के एमसीक्यू बनाऊंगी, ठीक है, वो आप ले सकते हो वेबसाइट से। एंड फिर उसके बाद मैं मर्ज करके, ठीक है, मर्ज करके, मर्ज में भी मतलब यहाँ पे 50-50 है, तो उसमें थोड़ा और कुछ मैं एडिट करूंगी, ठीक है। तो और बहुत, अगर मुझे और कुछ क्वेश्चंस आए तो और बहुत कुछ मैं देखूंगी, अगर कुछ एक्स्ट्रा और कुछ ज्ञान दे सकती हूँ उसमें, उसमें तुम लोग को कुछ नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी अगर मेरे पास यहाँ पे है, नहीं अभी, वैसे वो सरप्राइज है, ठीक है ना। फिलहाल वो और बनने की है तो दूंगी, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना तुम लोग। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पर्सुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस मतलब स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन साइज होना चाहिए, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, पर्सनल एसेट्स। देन कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये भी याद रखना कि फर्स्ट प्रोसेस हमारी डेवलप एन आइडिया है, सेकेंड है एनकोड, थर्ड है ट्रांसमिट, फोर्थ है रिसीव, फिफ्थ डिकोड, सिक्स फीडबैक एंड देन सेवन नॉइस। ऐसे नॉइस का उतना कुछ है नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो याद हो, बस इतना तुम लोग करना। ये बस आइडिया के लिए दी थी मैंने पिक्चर। देन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभी हमने देखे थे, तो क्या क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज के बारे में। एक्सप्रेशंस मतलब हम हाँ बोल रहे हैं, तो एक्सप्रेशन से भी लगना चाहिए कि हाँ ये पर्सन हाँ ही बोल रहा है। देन कम्प्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देना। मैसेज जो है वो छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। देन उसके बाद कॉन्क्रीट होना चाहिए प्रेजेंटेशन, एकदम जेन्युइन फैक्ट्स होने चाहिए उसमें, कुछ झूठा झाटा नहीं बोलना चाहिए हम लोगों ने, जितना भी झूठ झूठ नहीं बोलेंगे। देन रेसिपिएंट के टूवर्ड्स हम अपनी कर्टसी दिखाएंगे, हम उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, हमारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, और रिसीवर ने इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, ओके। एंड देन एज आई सेड, जौहरी विंडो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। क्योंकि जौहरी विंडो कैसा, ये थोड़ा आई थिंक टाइम लेगा, आधा 20 थर्टी थर्टी आवर्स टू 40 आवर्स ये ले सकता है मेरे हिसाब से, तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसी वजह से आई विल कॉल इट अ डे गाइज, ओके। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।